मेरा नाम राजकुमार है जी, पुराना प्रधान और मानवंदन ट्रस्ट। ये जी मामला मैंने कल दारू जुआ सट्टा और इसके लिए आवाज़ उठाई थी जी। वहाँ पे दरखास्त भी दे के आए मैं SP के, DIG के और CM विंडो में और वो केंद्रीय मंत्री अनिल विज के भी, सब जगह मैंने दरखास्त मतलब दी है जी। तो उसके बाबत मंदिर हनुमान मंदिर ट्रस्ट सबका साझा है जी। तो ये अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है इन्होंने, अपनी जायदाद बना रखी है, मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करते हैं और 10 कमा लेते हैं और 1 लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मंदिर की कमाई खा रहे हैं ये लोग, वहाँ पे जुआ सट्टा सरेआम चला रहे हैं। किसी की रोक नहीं, किसी की टोक नहीं, अगर कोई रोकता टोकता है तो उनको थाने में पकड़ा के उनकी बेइज्जती करवाते हैं, जिस तरह मेरी आज हुई है जी। मैंने आवाज़ उठाई थी और आज मंदिर में जाके मैंने यही कहा भी भाई गाड़ी निकाल, तू अपनी गाड़ियाँ बाहर कर और मतलब की दारू वाली गाड़ियाँ बाहर निकाल तेरी, दारू उसी गाड़ी में होती है जो कि पीते हैं ये, दारू गाड़ियाँ बाहर निकाल। और इसके लड़के आगे 5 है जी लड़के, बड़े मस्टंडे हैं जी, और इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, कम से कम 10-20 गुंडे थे जी वहाँ पे। और मेरे को पकड़ लिया इन्होंने, मारा पिटा खूब घसीड़ा वहाँ पे जी, कोट काट पाट दिए मेरे, आई समय बहुत बुरा हाल किया जी मेरा। और मेरे साथ ये बीरा था जी, इसने छुड़ाया मेरे को तो इसके लगी जी हाथ के लगी, हाथ दिखा बेटा तेरा, इसके हाथ के लगी जी, ये देखो जी हाथ पे लगी और पैर दिखा बेटा, पैर पे लगी, पैर दिखाई एक बार निकाल के आए, पैर पे लगी जी इसके। तो ठीक है जी, इन्होंने मेरे को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया जी, और मतलब कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद क्या कि जी इन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस बुला ली, पुलिस इनसे पुलिस को महीना भरते हैं, ये कहते हैं जी हमारी पुलिस है। और वैसी बात हुई जी पुलिस ने, पुलिस ने उसी तरह हमारे साथ बदतमीजी की, मौन जो हैगी इसका मतलब कि मौन लेके आया हमारे को। और मेरे को 60 साल की उम्र का मैं हूँ जी, और मेरे को धक्के मारता हुआ अंदर लेके गया जी। और इसके लड़के ने इतनी बदतमीजी वहाँ थाने के अंदर भी आगे कहा जी, मैं तेरे को चौकी के अंदर सब्जी मंडी चौकी में भी तेरे अभी तेरे को चाहिए क्या, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। और पुलिस वाले के सामने कहा जी ये खुद, हाँ जी उसने मेरे को गाली तो नहीं दी पर धक्के मारता हुआ लेके आया मेरे को जी। ये पप्पू कालड़ा है जी और उसके 5 लड़के हैं, राजन पप्पू कालड़ा है तो लड़का है जी जोनी बिक्की और उसका बंटी, और हरपाल का कालड़ा के लड़के हैं जी मतलब कि साहिल राजन, साहिल राजन। ये पप्पू कालड़ा ने हमारे को पकड़ दिया जी, और उन 5 भाइयों ने और प्लस गुंडों ने हमारे को पिटा, अच्छी तरह पिटा जी, पूरी धुलाई की। हम शराब करते हैं, शराब शरम चलता है जी, शराब जुआ सट्टा और 5-5 मिनट की खबर ऐन अच्छी तरह चलती है जी इनके। आज शराब बेचने काम करता है कोई आता है इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसको ये पुलिस में उठवा के उनकी बेइज्जती करवाते हैं और झूठ मरवाते हैं। आज मैंने तो पुलिस वालों को कह दिया जी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और मेरे को मारना है तो मार दो, और मैं तो करता ही रहूँगा समाज सेवा कर रहा हूँ और समाज सेवा करता रहूँगा जी। मोहल्ला ये पीर बस्ती है जी, भाखड़ा मिल के नज़दीक हनुमान मंदिर ट्रस्ट है जी, वार्ड नंबर 22 है जी। पुलिस में शिकायत मैंने सारे जगह वो करी थी, उसी बावजूद मेरे को आज पकड़ा इन्होंने, भाई ये आदमी रुक जाएगा तो मेरा काम चलता रहेगा। और मोहल्ले के आदमी वो इनके साथ है जिसको मतलब पैसा मिलता है, घर में दारू रखाते हैं और शाम को दारू पीने के लिए मिलते हैं, वो आदमी साथ है और सच्चाई को हमेशा दबाते हैं, बहुत दिन से इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं लोग। हम ये मांग करते हैं जी इस मोहल्ले में शराब का ठेका ना हो, जुआ सट्टा ना हो, गली मतलब बोलते आना जाना दिक्कत हो, जो शाम के टाइम चलती है, शाम के टाइम आप जाके देखियो क्या कितना बुरा हाल है, औरतें इकली गली के अंदर बाहर से निकल नहीं सकती। और ये दावा दाव करता है मतलब MC सीट का, ये पप्पू कालड़ा है जो इसको बाप को कंचन MC काट रहा था, गंडासों के साथ काट रहा था, बुरी तरह काट रहा था, और ये दोनों भाई पिल्लर की ओट में लुके थे उस टाइम। राजकुमार ही गया था इसको बाप को बचाने के लिए, आज उसी राजकुमार को इन्होंने पीटा, बुरी तरह पीटा जी, समझ गए। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ जी, ये इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे ऊपर ही उन्होंने पर्चा दर्ज किया, हमने दरख्वास्त दी है जरूर, हमारे को जमानत पर छोड़ा गया, मेरे बेटे की जमानत पर छोड़ा गया जी, खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, वो आज़ाद है, कोई उनसे लिखवाए भी नहीं, भी इनको कोई लेके जा रहा है, खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई की है उन्होंने। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, एक बात ये है जी, आज से 2 महीने पहले मेरी बेटी मेरी नो है बड़ी बहू, उसके पीछे विकास है जो विकास कालड़ा 6 महीने से उसके पीछे पीछे फिर रहा था, उसने मेरे बेटे विक्रम को कहा और मेरी घरवाली को कहा, इन्होंने मेरे को नहीं बताया, अगर मेरे को बता देता तो मैं इनको या तो मर जाता या मार देता जनाब। और इन्होंने मोहल्ले वाले ने 4-5 आदमी ने मिलके इन्होंने 80,000 रुपये दंड लगवा दिया और माफ़ी मंगवा दिया, उससे मेरे को संतुष्टि नहीं है, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊँगा और करवा के रहूँगा जी। इसके लिए मेरे को मरना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगा जनाब, इसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए जनाब, दारू सट्टा जुआ सब बंद होना चाहिए,
मैं एक 60 साल का उम्र का आदमी एक समाज सेवा करने निकला था, मेरे को जूतों से पीटेंगे ये, और थाने वाले मेरे को धक्के मार मार के ले जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूँगा थाने के अंदर जाके, और मैं इनका दबाव कोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा ये, ऐसे बेशक मेरे को गोली मार दी, मैं बिल्कुल शराब नहीं पिकने दूंगा, वहाँ पे बैठ के मैं वहाँ पे धरना दूंगा जी, भूख हड़ताल करूँगा मैं इनके खिलाफ, मैं पर ये दारू नहीं पिकने दूंगा, बेशक मेरे को गोली मार दे। अब राम है जी, लता जी ये ठेका बंद कर दो, और ये वहाँ पे गाड़ियाँ ले गए मंदिर के अंदर दारू लेके घुस जाते हैं जी, सीधी सीधी गाड़ी अंदर बाढ़ देते हैं जी, उसके बाद में वो सप्लाई करते हैं ये वहाँ से, उनको मना बोला था अभी तुमने भी बंद कर दो ये यहाँ पे बेचनी दारू, और ये गाड़ियाँ दारू लेके मंदिर के अंदर ना बढ़ने की जी। तो उसी बात का वो आगे 5-6 लड़के आए थे, उसके 4 लड़के हैं, उनके पप्पू गए जी, एक हरपाल के लड़के हैं जी, 2 पप्पू गए हैं, वो आ गए और पालोरी, और वो हमारे साथ गुत्तम गुत्ते हो गए जी चौक के अंदर मंदिर के पास, रामजी पीर के मंदिर के पास चौक के अंदर। उसके बाद में झगड़ा करने लगे, तुम्हारे को क्या विरोध है यहाँ दारू बंद करवाते हो तुम, इस चीज़ का ही झगड़ा जी। गाड़ी ले जाते हैं जी, भरी भराई गाड़ी आती है बाहर से ले जाते हैं जी, वो 2 नंबर की दारू अंदर सीधी बाढ़ देते हैं जी मंदिर में, चाबी उनके पास होती है जी, 5-6 गाड़ियाँ खड़ी होती है, जब मर्जी देख लेना जी। वो कालड़ा है जी, पप्पू राम कृपाल उसके लड़के हैं जी, उनके साथ वो धक्काशाही कर रखे जी, वो करते हैं उनके, मानते नहीं किसी की, वो अपना धक्का चलाते हैं जी, जो आते हैं उनको बुला लेते हैं यार, 2,000 रुपये देते हैं, उनके घरों में दारू रख रखी है 5-4 घरों के अंदर जी, किराए पे ले रखे हैं उन्होंने, जैसे किसी को 2,000 दे दिए, किसी को 3 दे दिए जी, इस हिसाब से उन्होंने काबू कर रखा जी, जो पास पास में है घर उसके जी। ये मांग करते हैं ये ठेका बंद हो जाए यहाँ से, बस ये जुआ सट्टा चलाते हैं बंद कर दें तो बढ़िया है जी। आपके द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी? करी थी जी, मानते नहीं जी, आते हैं कहते हैं महीना भरते हम कि कार्रवाई कर रखे हैं जी, ये अस्पताल में वो चोट पेट मार गए, हमने मेडिकल के कटवाया जी, पुलिस वाले गए, पुलिस वाले हमारे को धक्के मार के ले आए जी वहाँ से, बोले चल आगे लगो तुम, पुलिस वाले उनके मानते जी, किसी गरीब आदमी के वहाँ पे कोई सुनाई नहीं है जी।